प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार के लिए लगातार दिग्गजों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। मेडिसिन और फिजिक्स के बाद आज केमिस्ट्री के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए तीन वैज्ञानिकों के नामों का ऐलान किया गया। फ्रांसिस अर्नोल्ड के साथ दो अन्य साइंटिस्ट जॉर्ज स्मिथ और ग्रेगरी विंटर को ये सम्मान दिया जाएगा। इन्हें प्रोटीन से जुड़े आविष्कार के लिए चुना गया है। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई थी, जिसे शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान करने वाले दिग्गजों को दिया जाता है। इसी कड़ी में आज केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान इस क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले तीन वैज्ञानिकों के लिए किया गया है। इनमें फ्रांसिस एच अर्नोल्ड का नाम शामिल है, जिन्हें एंजाइम और फार्मास्यूटिकल से संबंधित एक आविष्कार के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। फ्रांसिस अर्नोल्ड रसायन के लिए ये पुरस्कार जीतने वाली पांचवी महिला है। वहीं इसी सूची में दूसरा नाम जॉर्ज स्मिथ का है, जिन्हें फेज डिस्प्ले का मेथड विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें कि इससे मानव शरीर में बैक्टीरियोफेज की मदद से नया प्रोटीन बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं तीसरा नाम सर ग्रेगरी विंटर का है। इन्हें यह अवार्ड जॉर्ज स्मिथ की ओर से डेवलप किए गए मेथड डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हुए नई दवाई की खोज के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि इस दवाई की मदद से ऑटो इम्यून डिजीज और मेटास्टिक कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इनसे पहले लेजर तकनीक में महत्वपूर्ण खोज करने वाले तीन वैज्ञानिकों अमेरिका के आर्थर आस्किन, फ्रांस के जेरार्ड मौरो और कनाडा की डोना स्ट्रिकलैंड को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।